मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज 26 जनवरी 2023, जिसको हम हैप्पी रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। तो आज मैं हूँ तलोजा में, आप देख सकते हैं ये तलोजा का वो साइड का एरिया है। फेस वन से अगर आप अंदर के साइड आते हो तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे गांव मिलते हैं। मैंने तलोजा जो गांव है, तलोजा का जो विलेज है, उसको मैंने एक्सप्लोर किया था। उस वीडियो को मुझे बहुत प्यार मिला, आप लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। लेकिन इस साइड में भी कुछ गांव है जो आज मैं एक्सप्लोर करूंगा और आपको भी बताऊंगा कि तलोजा फेस वन से अगर आप अंदर आते हो तो कौन कौन से गांव है। आप यहां पे आके आप थोड़ा सा गांव का जो एनवायरनमेंट है उसको महसूस कर सकते हो, उसको आप देख सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हिदायत काजी, फिर से एक नए ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो ब्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं आज तलोजा को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। आज 26 जनवरी है, जिसको हम रिपब्लिक डे के नाम से मनाया जाता है इंडिया में। तो मेरी तरफ़ से सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। और अभी इस एरिया में आया हूँ जो मैंने मेरे वीडियोस में बताया नहीं था, तो अभी मैं इस एरिया में आया हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े टावर है, और यहीं पे शमशान है, और यहाँ पे ही कब्रिस्तान है। ये वो जगह है तलोजा की। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। ये तलोजा का वो ग्राउंड है जहाँ पे मैचेस वगैरह होते हैं, और आज देख सकते हैं मैच वगैरह चालू है। डेकोरेट किया हुआ है इस ग्राउंड को, आप देख सकते हैं। एक्चुअली रिपब्लिक डे के वजह से भी मैच रखा हुआ है, ऐसा हो सकता है, आइडिया नहीं है। अभी डेली मैचेस होता है, आप अगर जानते हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पूरा एरिया यहाँ पे खाली है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो बिल्डिंग्स है वो बांधे हुए हैं। लेकिन इस साइड में देखेंगे तो बहुत ही छोटे घर है, और इस साइड में पूरा गांव का फीलिंग, पूरा गांव का इन्वायरमेंट। एक साइड में तो बिल्डिंग बांधी हुई है, और एक साइड में ये पूरा जो घर गांव की तरह कैसे घर होते हैं उसी तरह यहां पे घर बांधे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सामने भी आप देख सकते हैं ये बैलगाड़ी है, जिसमें से सामने आगे बैल को बांधा जाता है, और जो भी आपको यहाँ पर सामान रखना है इस गाड़ी के अंदर रख के ट्रांसपोर्ट किया जाता है इधर से उधर। ये पहले ज़माने में करते थे, ये आपको भी पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप देख लो इस बैलगाड़ी को। मैंने इसको बहुत दिनों के बाद यहाँ पे देखा हूँ,
और मुझे भी गांव का ऐसा जो फीलिंग है वो मुझे थोड़ा महसूस हो रहा है। और इस बैलगाड़ी के अंदर मुझे बैठ के बहुत दिन हो गए, क्योंकि मैं छोटा था उस टाइम पे मैं इस बैलगाड़ी में बैठा था अपने गांव में। तो आप देख सकते हैं जो पहले जो लोग थे वो इस गाड़ी से ही सफ़र करते थे, आज से 50 60 70 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु। तुम्ही इकडे राहता काय नाव तुमचं? भास्कर पाटील। हां भास्कर पाटील, भास्कर पाटील। मी ब्लॉग बनवतोय इकडे, गाव वगैरे आहेत? हां किती लांब आहे? 5-10 मिनिटं। ओके थँक्यू, हॅपी रिपब्लिक डे। रे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के। अभी आप बताइए आपको गांव का फीलिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है इस ब्लॉग के ज़रिए। अगर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना अगर आप इस चैनल पे नए हो तो, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं हमेशा लेके आता हूँ। मेरी कोशिश ही यही होती है कि मैं इस चैनल पर अच्छे अच्छे नए नए ब्लॉग इसी तरह से आपके सामने मैं पेश करूँ और आप मेरे वर्क को अप्रिशिएट करें, यही उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को इस ब्लॉग को बनाता हूँ। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। इस जगह पे बहुत ही कम यूट्यूबर्स आए होंगे, शायद से कोई किसी ने यूट्यूब में आप इसका ब्लॉग बनाया है या बना नहीं बनाया है मैं नहीं जानता है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि बहुत ही कम ब्लॉग्स आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं ये पूरा जो घास है यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे गांव में कैसा घास को इस तरह से जो बाउंड्री बना के रखते हैं आप देख सकते हैं, वैसे इसी तरह से आप बॉम्बे में ये जो इन्वायरमेंट है विलेज का आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया एक फीलिंग अपने विलेज की, अपने गांव की आप यहां पे महसूस कर सकते हो। आज रिपब्लिक डे है, इसी बेस पे छोटे छोटे गाँव का जो ब्लॉग बनाना मैं थोड़ा डिसाइड किया था, क्योंकि जय जवान जय किसान, तो इसी बेस पे हम आगे भी बढ़ेंगे और देखते हैं आगे कैसा गांव है। चलते हैं, वीडियो में बने रहिए है।